What's up guys, welcome back to the channel. और अभी दिन की स्टार्ट किया गया है with गरम पानी, है ना? आपका गट साफ रखेगा, पेट साफ रखेगा इसके लिए. और सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं. और 31st को और 1st को क्या गंद पे लिए, मतलब जो खाने की इच्छा हुई ना, लिटरली सब कुछ खाया है मैंने. और मैंने लास्ट वेट चेक किया था 30th को, ठीक है, दिसंबर 30 दिसंबर को, जो कि 76 था. आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई है और मैं डर रहा हूँ वेट चेक करने से क्योंकि क्या पेला यार खाना गजब का. बट देखते हैं यार क्या होता है. भाई साहब 75.80, मतलब गजब हो गया. पता अपन अभी भी ट्रैक पे ही चल रहा है. आपको बता दूं कि मैं अभी कटिंग फेज में चल रहा हूँ अपने, है ना. मैंने स्टार्ट किया था 78 kg से. एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ मैं 72 से 78 kg पे गया था, तो उसका लिंक यहाँ डाल दूंगा. बाकी मैं अभी हूँ 76 kg पे, मतलब 75.80 आपने देखा है अभी वेट. और थोड़ा कम करने वाला है, मसल गेन हो रहा है लेकिन वेट कम हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग. सो गाइस, टाइम टू हैव आवर फर्स्ट मील, जिसके अंदर होने वाला है एक बनाना. अभी बनाना जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप सुबह पहले वर्कआउट करते हो जस्ट लाइक मी. क्योंकि मैं उठता लेट हूँ, उठता लेट इसलिए हूँ क्योंकि सोता लेट हूँ. ऑब्वियसली एडिटिंग करनी पड़ती है इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की. और सुबह सुबह वर्कआउट करता हूँ तो कुछ ऐसा चीज़ फटाफट एनर्जी दे सके, एंड बनाना इज रियली अ ग्रेट ऑप्शन. और लगभग 30 मिनट पहले लेता हूँ मैं इसको जिम जाने से. आप भी ले सकते हो. और वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम आपकी इच्छा है. मेरे को सुबह टाइम मिलता है क्योंकि उसके बाद फिर मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है. मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, फिर 8 आवर्स का जॉब, उसके बाद में फिर एडिटिंग वेडिटिंग होती है. मतलब गिन गिना के शाम तक रात तक टाइम नहीं मिलता है. सो इसलिए सुबह प्रेफर करता हूँ. सो आई हैव अ बनाना और फटाफट चलते हैं जिम. मैं जिम में क्या क्या लेके जाता हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ. देखो, एक तो पानी की बॉटल, ठीक है, और उसके अलावा है ट्राईपॉड जब शूट करना होता है तब, और फिर है मेरे हेडफोन्स, ठीक है, और फिर है 2 रिस्ट बैंड, ठीक है. मैं नी बैंड भी खरीदने वाला हूँ लेकिन हाँ, ये रिस्ट बैंड है, काम आता है जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तब. अभी 2 सेट लगा चुका हूँ बाइसेप कर्ल के भी, बार कर्ल के साथ में, है ना. पहला सेट था 5 किलो दोनों साइड पे और 25 लगाए थे मैंने रैप्स. और दूसरा जो सेट है उसके अंदर 7.5 की प्लेट ईच साइड और उससे 12 लगाए. तीसरा सेट अभी बच रहा है, वो भी 7.5 से लगूंगा और मैक्सिमम जितने लग सकते हैं उतने लगाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर. लेट्स सी, आप भी काउंट करना, मैं भी काउंट करूंगा. वर्कआउट गाइज, और अब फटाफट से घर चलेंगे, बहुत भूख लग रही है. अभी मैं जिम से आ रहा था ना तो मैं क्या किया, सारी स्ट्रॉबेरी जितनी मिली ना भैया के पास में सारी उठा के लिया, क्योंकि तो मिलती नहीं है. और फिर इसलिए फिर मैंने देखा कि यार आज मिल गई है तो सारी उठा लाते. 4 पैकेट थे, चारों के चारों उठा के लिए अपन.
इट्स टाइम टू हैव सेकंड मील जिसके अंदर दो स्कूप वे प्रोटीन के, और मैं प्रेफर करता हूँ वर्कआउट के जस्ट बाद दो स्कूप वे प्रोटीन लेना, विच इज प्रैक्टिकल, काफी सारा प्रोटीन मिल जाता है एक साथ ही। अब अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, इन दैट केस आप सोया चंक्स ले सकते हो, अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स खा सकते हो। अच्छा, अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो तो कोशिश करना कि एग योक्स कंज्यूम मत करना पोस्ट वर्कआउट में, क्योंकि वो क्या करेगा, उसमें फैट्स होते हैं, वो क्या करेगा, प्रोटीन का जो आपका एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देगा। वे प्रोटीन लिए हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। नाउ टाइम टू हैव थर्ड मील जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, जो कि है दो चपाती, घी नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, 120 ग्राम वेट है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर है कोई भी घर की सब्जी जो भी बनती है वो वाली, तो यहाँ पर आलू और गोभी की सब्जी है थोड़ी बहुत। सो दिस इज गोइंग टू बी माई थर्ड मील। मैंने आज सुबह सुबह अमेजन से एक ट्राईपॉड मंगवाया था और वो आ भी गया है शाम को ही, तो आप देख सकते हो, देखो ये मंगवाया था है ना, ओसाका का है ये मेरे को लगभग 900 रुपए का पड़ा था। लिंक डाल दूंगा, अगर आपको मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हो। और ये मेरे को चाहिए भी था ताकि मैं स्टेबल शूटिंग कर सकूं। गाइस, हमारी अगली जो रेसिपी है वो एग्स की रेसिपी है। फटाफट से बनाते हैं और खाते हैं और फिर ऑफिस का काम करते हैं, क्योंकि काफी सारा काम भी है अभी। तो 10 अंडे ले रहा हूं उसके लिए मैं। सबसे पहले गैस स्टार्ट करना और पैन को गर्म कर लेना, और उसके बाद में इसमें क्या करोगे आप, सारी सब्जियां जो भी आपको पसंद है वो डाल देना। मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है और मिर्च ली है। अभी इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि किसी भी आलसी बंदे घर में बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये अपन डालेंगे लगभग एक चम्मच अपन डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसको मिला लेना ढंग से प्रॉपरली, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। अभी गाइस अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हो, तो मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अपन ग्रीन चिली यूज़ कर चुके हैं पहले। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और फिर धनिया पाउडर काफ़ी सारा डाल देंगे इसके अंदर, है ना। अब इसको मिक्स कर लेना प्रॉपरली, एक मिनट के लिए चलाएंगे लगभग, और होपफुली उसके बाद मसाला तैयार हो जाएगा। गाइज अभी आप देख सकते हो मसाला जो है वो प्रॉपरली सिक गया और तैयार हो गया है ना, पानी भी निकल गया इसमें से ऑलमोस्ट। अभी 10 के 10 अंडे अपन इसके अंदर डाल देंगे, मतलब सबके योक्स नहीं डालेंगे ना, योक सिर्फ दो के डालेंगे, बाकी सबके वाइट्स डालेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के दो अंडे आप पूरे पूरे डाल सकते हो, है ना, और उसके बाद वालों के सिर्फ और सिर्फ योक्स डालेंगे अपन, ठीक है। तो ये दो अंडे हो गए अपने पूरे पूरे। अब अपन वाइट्स डालेंगे, तो योक को इस तरीके से आप निकाल लेना, ठीक है। देख रहे हो कितनी आसानी से निकल रहा है योक। अभी 10 के 10 अंडे इसमें डाल दिए मैंने, है ना। इसके अंदर आप नमक डाल देंगे बस। अभी गाइस गैस मैंने बिल्कुल तेज़ कर दिए और ये बड़े ही आराम से, चाहो तो आप निकाल सकते हो उसको बड़े आराम से, लेकिन मैं इसकी भुर्जी बनाऊंगा, है ना, तो इसलिए मैं इसको स्क्रम्बल करने वाला हूँ अभी इस तरीके से। और अभी इसको हाई फ्लेम पे, नॉन स्टिक पैन पे डेफिनेटली आप पकाओगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, और ये बनके तैयार। थोड़ा मैसी काम है बट कोई दिक्कत नहीं है, मैसी होगा लेकिन टेस्टी होगा। एकदम धांसू लग रही है गाइस ये, इसको खाएंगे अपन रोटियों के साथ में, मज़ा आ जाएगा, किसी सब्जी की नीड नहीं है आपको इसके साथ में। अभी गाइस अपनी भुर्जी बनके तैयार हो गई, इसके साथ अपन एक और चीज़ लेंगे जो कि होने वाली है स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज है, वही है जो सुबह लेके आया था मैं ना, और इनको बेसिकली मैं सोच रहा हूँ शेक बना लेते हैं, क्योंकि दूध भी पीना ही है, ये भी लेनी है, तो शेक बना लेते हैं, ठीक है। शेक में फटाफट उठ जाएगी, बहुत सही फ्रूट है यार, लो इन कैलोरी, सुपर टेस्टी, मस्त। गाइस वैसे मेरे को ये पूरा ही दूध पीना है, ये 500 ml दूध है, लेकिन मैं शेक में सिर्फ और सिर्फ 200 ml डालूंगा, बाकी 300 ml जो है वो मैं अलग से पीऊंगा, है ना, रात को ज़्यादा भूख लगती है मेरे को। और इसमें डालेंगे लगभग 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी और शुगर फ्री, शेक बन के तैयार। सो गाइस लगभग इसमें 200 ml में दूध डालने वाला हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत गिर गया आपको दिख रहा होगा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर लगभग 50 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी चली जाएंगी, है ना, जो कि छोटी वाली अगर आप लगाओगे तो लगभग 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज होगी, मोटी वाली 2 ही हो जाएंगी। अभी इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी शुगर फ्री डाल लेना, ठीक है। गाइस अपना शेक भी बन के तैयार हो गया, बहुत सही लग रहा है, देखो क्या मस्त कलर आया इसको, तो गाइस हाथ के हाथ टेस्ट करके देखना पड़ेगा। वाह, शेक हो तो ऐसा मजा आ गया, ठीक है, विदाउट आइसक्रीम मजा आ गया सच में। इसलिए भी आया क्योंकि स्ट्रॉबेरीज फ्रीजर में रखी हुई थी, ठंडी थी, क्रिस्टल क्रिस्टल जैसी हो रही है इसके अंदर, काफी अच्छी लग रही है। सो गाइज अपनी मील बनके तैयार हो गई, जिसके अंदर अपने पास में है भुर्जी जो अपने बनाई है, बाकी 2 चपाती ली है, इनके ऊपर घी नहीं लगा हुआ है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड अगेन मेरे घर पे 60 ग्राम्स की होती है अप्रॉक्सीमेटली एक चपाती, तो ये 120 ग्राम्स हो जाता है।
और ये है शेक जो कि मैं आधा पी चुका था आपके सामने और आधा और बच रहा है। सो दिस विल बी माई मील। अभी इसको गाइस फटाफट से कंप्लीट करता हूँ है ना सारी मील को, और उसके बाद मुझे करना है ऑफिस का काम जो कि काफ़ी सारा पड़ा हुआ है अभी भी है ना। और ये बिहाइंड द सीन्स चीज़ें जो कि आपको नहीं दिखती है लेकिन 8 घंटे मेरे दिन के यहाँ भी जाते हैं। अभी गाइस मैंने है ना एवेंजर्स जस्ट खत्म ही करी है देख के। मेरे को पता है सबसे अच्छा लगा कैप्टन अमेरिका, क्योंकि बंदा सेंसेबल है और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करता है इसलिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यार मेरे को काफ़ी पसंद आया। अब यार मेरे को है ना आप एक चीज़ में हेल्प करोगे कि कोई ऐसी सीरीज या फिर कोई ऐसी मूवी जो कि थ्रिलर हो, ठीक है, सस्पेंस वाली हो और मज़ा आना चाहिए देखने में, और अगर मतलब ऐसी होनी चाहिए कि मतलब मैं 1 घंटा या 2 घंटे देख रहा हूँ ना तो पैसे वसूल हो जाने चाहिए, ऐसी कोई सीरीज बताना। क्योंकि मैं खुद बैठता हूँ ना देखने के लिए तो फिर मैं कन्फ्यूज ही रहता हूँ। और हिंदी इंग्लिश कोई सी बता सकते हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कोई तमिल वमिल मत बताना ताकि समझ में नहीं आए, अंडे बंडे करते रहेंगे वो। ऐसे एक तो सर्दियों का मौसम और उसके अंदर गर्मा गर्म चाय मिल जाना तो अलग ही लेवल का खुशी हो जाती है। सो अपन क्या करेंगे, 300 ml जो दूध बचा हुआ था अपना उसकी अपन चाय बनाने वाले हैं। अपन ने 200 ml यूज़ किया था स्ट्रॉबेरी मिल्क के अंदर, तो 300 ml जो बचा उसकी बनाएंगे चाय फर्स्ट क्लास, मजा आएगा पी के। गाइस यहाँ पे बिल्कुल अल्टीमेट लेवल की चाय बन रही है। अभी तुम सोच रहे होगे कि यार इतनी तगड़ी चाय है तो फिर इसकी रेसिपी ही नहीं बताई है ना, क्योंकि इसकी रेसिपी बताएंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि अब अपन यूट्यूबर हो गए तो यूट्यूबर की तरह सोच रहे हैं तो सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताने वाला। गाइस जो भी दूध बच रहा था उसको अपन इसके अंदर डाल दिया है, और इसमें गाइस चीनी यूज नहीं करी अपन ने, शुगर फ्री यूज किया इसके अंदर। आप चाहो तो चीनी यूज कर सकते हो, कैलोरीज में आ रही है। सो गाइस चाय अपनी बन चुकी है, अभी ये जो है एक ग्लास और बना है क्योंकि 300 ml दूध था इसलिए 2 बार में पीनी पड़ी। When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drunk. Guys, अभी जो है मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो मीठा खाया जाएगा, और मेरे घर पे रखा हुआ है अलवर का मावा जिसे मिल्क केक भी बोलते हैं है ना, तो ये खाएंगे अपन लगभग 200 ग्राम के आसपास है ना, क्योंकि ये मेरी कैलोरीज में फिट बैठ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी सब कुछ खाओ। गाइस अगर आपको पता है ना कि कैलोरीज को कैसे ट्रैक किया जाता है तो आप बड़े आराम से कुछ भी अपनी डाइट के अंदर डाल सकते हो। एंड अगर कैलोरीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो उसके ऊपर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 200 ग्राम नहीं है बाय द वे, आपको बता दूं, ठीक है, ये 100 ग्राम के आसपास, ये 100 ग्राम मैं पहले ही पेल चुका हूँ इसलिए अभी आपको बता देता हूँ पहले ही कि ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम मैं खा चुका हूँ। सो गाइस फाइनली आखिरी मील में होने वाला है 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया इस बार मैंने क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सट्रीम लेवल की हो रही है बाहर, और राजस्थान के अंदर एक चीज़ तो है मतलब सर्दियाँ भी एक्सट्रीम पड़ती है और गर्मियाँ तो पूछो ही मत, मतलब एकदम ही मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। एनीवेज दिस इज़ माय लास्ट मील फॉर द डे जिसमें है 2 स्कूप वे प्रोटीन का, कुल्फी फ्लेवर है ये एंड गुनगुना पानी है इसके अंदर एंड टेस्ट इज़ गुड। टोटल मैक्रोज जो है वो अभी आपके स्क्रीन पे होंगे फिलहाल। गाइज एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, दिल से बुरा लगता है कसम से, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, बाकी आपको पता ही है लाइफ बढ़िया चल रही है। Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it.